और अशरफ की हत्याकांड पर तेजस्वी यादव पहली बार बोले। तेजस्वी यादव ने बोलते बोलते ऐसा बात बोल दिया जिसके बाद में तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ही तेजस्वी यादव से नाराज हो गई। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें लगातार तेजी से वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी अब तेजस्वी यादव से नाराज है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक संबोधन के दौरान और जी आवास और तमाम लोगों पर सवाल जो पूछे गए थे इस पर जो कुछ भी उन्होंने जवाब दिया था वो बिल्कुल उलट था। ऐसे में वह कौन सी चीज़ें थी जिसको लेकर के इस वक्त बवाल मचा है, आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अतीक और अशरफ की हत्याकांड पर जी सबकी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में बवाल तो बिहार में भी मचा है, क्योंकि बिहार में भी अतीक और अशरफ के चाहने वाले लोग हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से जब मीडिया कैमरों पर सवाल पूछा गया तो बोलते बोलते तेजस्वी यादव जी अतीक अशरफ जी बोल गए। ऐसे में जी का जंजाल ऐसा जी बना कि आरजेडी ने भी इस जी को काट डाला। आरजेडी के सोशल साइट और सोशल प्लेटफॉर्म पर डाले गए वीडियो में आरजेडी के नेताओं ने शायद ये बताया होगा कि उन्हें जी नहीं लगाना चाहिए था, अतीक अशरफ ही ठीक था। अतीक अशरफ जी अगर कहा गया तो वो गलत था, और इसीलिए आरजेडी के नेताओं ने इस आश्वासन दिए जाने के बाद में कहीं ना कहीं वो कटवा दिया और उसके बाद में जी का जंजाल बन गया। बीजेपी ने कहा कि देखिए ये जी ऐसे जी थे जो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के संरक्षण में थे, और जब जी का जंजाल ये बने और तो इन्होंने जी को हटवा दिया। ऐसे में क्या माफियाओं को, गुंडों को, इन लोगों को, नेताओं को संरक्षण देना चाहिए? क्या कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो या कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, क्या नेता और माफियाओं का साठ गांठ या संगठन होना चाहिए? क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि हम आपको मदद करें और आप हमें मदद करें? इसके बारे में अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि दोनों नेता, दोनों लोगों का रास्ता अलग। जहां जी आपको बता दें कि क्राइम की दुनिया में पहले कदम रख करके बनने वाले शर के सबसे बड़े ताज कहलाने वाले जो लोग होते हैं वह कभी ना कभी नेताओं को भी धमकाते हैं। ऐसे में अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।